नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। चुनावी दहलीज पर किसान आंदोलन पार्ट टू से केंद्र सरकार उलझन में है। किसान आंदोलन को आज 9 दिन हो चुके हैं और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसान प्रदर्शन करता हुआ लगातार नजर आ रहा है। किसान जो है वो लगातार प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहा है। किसान एमएसपी पर कानून गारंटी चाहते हैं। सरकार ने चौथे दौर की बैठक में 5 फसलों पर 5 साल खरीद के एग्रीमेंट का जो फॉर्मूला दिया, किसानों ने उसे नामंजूर कर दिया। आज किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। फिलहाल 4 बैठकों में कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिसके बाद सरकार ने 5वें दौर की बातचीत के लिए पेशकश की। वही किसान संगठनों ने भी नरम रुख अपनाते हुए वार्ता करने के लिए मंजूरी भरी है। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलना ही चाहिए। सरकार को इसके लिए जो भी नियम बनाने चाहिए वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इस सब को समझने से पहले एमएसपी को समझते हैं। और ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। मैं अपील करूंगा वैसे सभी संगठनों से जो इस तरह की बातों को और इस तरह के माहौल को, जिससे हम सब के लिए और जिसे हम यह कहें कि एक इस तरह का वातावरण जो हम सब के लिए एक तरीके से अच्छा नहीं होता है, हम लगातार सरकार के माध्यम से चिंता कर रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता किसान के लिए बेहतर से बेहतर कैसे हो सके। सबकी अपनी सोच है। देखो, ये संघर्ष चलेगा, बातचीत से ही समाधान होगा, ठीक है। और इसका दर्द पूरे देश को है कि जिस तरह से हरियाणा उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का, गोलों का इस्तेमाल कर रहा, उसकी नाराजगी पूरे देश में है। ये उसी का ही रोष है कि आज पूरे देश में जिला घर पे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए और अपना रोष व्यक्त करेगा, ये रोष प्रकट करा है आज। भाई, किसानों को शांत करने के लिए बातचीत ही रास्ता है और समाधान, वापसी जाने का समाधान रास्ता है। पहले बातचीत होगी, उसमें समाधान निकले तो जब वो किसान वापस जाएगा, और किसान वापसी जाएगा ही नहीं। है जी, और लड़ाई क्या, वो पीछे अटल लग रहे। ये तो 90 वर्ष देश की आजादी की लड़ाई चली, ये तो चलेगी। किसान हार के वापसी कभी नहीं जाता। अगला कदम एसकेएम की कल मीटिंग है, उसमें हम अपना तय करेंगे कि एसकेएम का क्या इसमें हो रहेगा। अभी एसकेएम बाहर से उसको देख रहा है, हमारा बाहर से पूरा समर्थन किसानों के साथ। ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जो किसान है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, आज उनके प्रदर्शन का 9वां दिन है और किसान आंदोलन 2 ने केंद्र सरकार की उलझने बढ़ा दी है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार से कहीं ना कहीं बातचीत भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है उससे तो सरकार की जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर किसान जो है वो प्रवेश करना चाहते हैं, मगर एक तरफ सरकार जो है उनसे शांति बात करने के लिए कह रही है, एक बार बार ये कहा जा रहा है कि शांति बना के रखें और कहीं ना कहीं
संयम से ही बातचीत की जाएगी। किसान भी चाहते हैं कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की जाए, मगर लगातार कहीं ना कहीं किसान जो है वो दिल्ली अंदर आकर ही कहीं ना कहीं सरकार से रूबरू होना चाहते हैं। जी 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 राजीव, फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति है, क्या तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है या किसान अभी भी रुक चुके हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें शंभू बॉर्डर की, तो शंभू बॉर्डर पर जरूर किसान रुके हुए हैं, मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनके तरफ से भी लगातार यही कोशिश की जा रही है कि किसानों को किसी भी तरीके से रोका जाए, और यही चीज जो है वो दोनों तरफों से झड़प भी देखने को मिली, आंसू गैस का इस्तेमाल भी करने को मिला। पर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। यहाँ पर बात करें हरियाणा पंजाब बॉर्डर की, तो वहां पर भी इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार किसानों को रोकने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करती हुई जा रही है। दिल्ली के अंदर 50 ऐसे पॉइंटों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, मगर उस सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए किसान जो है वो पूरी तरीके से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी राजू, जैसे कि आपको पता है कि पहले भी किसान और जो किसान है वो प्रदर्शन करते रहे हैं, ऐसे में इस बारी भी जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बारी जो किसान है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसानों ने मुंह पे मास्क लगा रखे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसानों ने जिस तरीके से मुंह पर मास्क लगाया हुआ है वो सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें ना हो, उनसे बचाव के लिए इस तरीके का रास्ता अपनाया जा रहा है। मगर किसान जो है वो लगातार अपने प्रयास के द्वारा या फिर कहें अपनी रणनीति के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर प्रवेश उनको करने नहीं दिया जा रहा है। और गृह मंत्रालय की तरफ से बात करें, जी राजीव, समय की वजह से मैं आपको यही रोकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो हम फिर से हमारे गेस्ट के पास चलते हैं, तो आप तीनों का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। तो नवनीत जी, आप प्रभाकर जी से कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो आप पूछ सकते हैं। प्रभाकर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि MSP पे आखिर दिक्कत है क्या? MSP, देखिए, MSP केंद्र सरकार ही नहीं जारी करती है, MSP को लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास भी है, तो पक्ष विपक्ष या राजनीतिक दलों का तो मसला ही खत्म हो जाता है। यहां सत्ता के आत्मविश्वास का प्रश्न उठता है। जी प्रभाकर जी, मुनासिब और जायज सही है, लेकिन मैं एक बात इसके साथ ही कहना चाहता हूँ कि किसान ने और किसानों से सरकार के चार दौर की बात कर चुकी है और वह पूरी सहानुभूति रखती है, पूरा सद्भाव रखती है, और पहले भी आंदोलन शुरू होने के पहले भी इस मसले पर जब अनौपचारिक बातचीत हुई थी तो सरकार ने बताया था कि सरकार इस संबंध में शुरू से पहले के आंदोलन को और उसमें उठी मांगों को ध्यान में रखते हुए भी क्या कर रही है। लेकिन आपने कहा कृषि जो है वह केवल केंद्र का विषय नहीं है, केंद्र और राज्यों दोनों का जो है विषय है, और ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुसार उसको बेहतर कर सकती है। लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल बात यह है कि वो राज्य सरकारें जहाँ केंद्र की सत्ता के विपरीत है वो इससे जरा भी सहयोग नहीं करना चाहती और न ही जो है इस मसले को गंभीरता से ले रही है। केवल हरियाणा या केवल पंजाब या जो इस तरीके के राज्य हैं, तो मसला केवल उत्पादन की दृष्टि से, अनाज उत्पादन की दृष्टि से इन्हीं राज्यों का नहीं है। केंद्र जब आएगा तो पूरे से साथ होगी, लेकिन केंद्र किसी एक पहलू को लेकर के कोई निर्णय नहीं ले सकता, और MSP का मसला इसीलिए जो है एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो होता है जिससे सरकार किसानों के अवसर देती है कि आपके लिए बाजार खुला हुआ है, सारे साधन है, सारी सुविधाएं हैं, सारी सहूलियतें हैं, उसमें बेचिए अपनी लागत के हिसाब से उसका जो मूल्य है वह वसूल कीजिए। अगर किसी वजह से आपकी फसल नहीं बिक पाती या आप उसकी व्यवस्था का लाभ उठाने में किसी वजह से अक्षम है, तो ऐसी स्थिति सरकार इस बात की आप सुनिश्चित करना चाहती है कि हम आपको इतना देंगे
और इसीलिए सरकार ने अपनी 4 एजेंसियों को बाकायदा इस कार्य में लगा रखा है जिसमें नैफेड प्रमुख है। तो ऐसी स्थितियों में किसानों को भी हर स्थिति को समझना होगा। मैं यहाँ पर किसान हमारे साथ किसान नेता हैं सतीश जी, मैं सतीश जी से ये पूछना चाहूंगा। सतीश जी, सतीश जी हमारी आवाज पहुंची आप तक? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सतीश जी, जब MSP सरकार ऑलरेडी 23 फसलों पर दे रही है तो फिर मुद्दा क्यों और किस लिए उलझा है? मेरे भाई राजनीतिक प्रवक्ता जी, ये सिर्फ कागजों में, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में देने का काम कर रही है और पूरी की पूरी 76 साल से जो सारी राजनीतिक पार्टियां किसान के साथ एक खेल खेलने का काम कर रही है, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं किसान से सिर्फ वोट लेने के लिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपगंडा करने का काम किया जाता है। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वह BJP मांग करती है, जहाँ BJP की सरकार है वह कांग्रेस हमारे साथ मिलकर काम करती है। जैसे 2013 में एक भूमि अधिग्रहण बिल था तो पूरी की पूरी BJP हमारे साथ खड़ी थी। तो हमारे साथ तो 76 साल से एक मजाक होने का काम हो रहा है। और जो सतीश जी, आप ऐसे लोगों को साथ में जोड़ते ही क्यों हैं जो सत्ता में रहे और लागू नहीं किया और सत्ता से बाहर आ गए तो आपका समर्थन करने लगे? यही तो जैसे आज कांग्रेस पार्टी, जैसे माननीय राहुल गांधी बोल रहे थे कि हम पूरे का पूरा किसान को। जी सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए NB News।